हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स। तो बहुत ही सिंपल है लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। व्हाट डज इट मीन बाय अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम? इट मीन्स दैट फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर एज्यूम्ड एज कॉन्स्टेंट। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, इनपुट प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स। तो जितने भी और फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा, जितने फैक्टर्स हैं, हम उनको एज्यूम कर रहे हैं एज कॉन्स्टेंट, कि उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्यों हमने ये एज्यूम किया? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी ओनली द इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर, द इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड। वी वॉन्ट टू सी ओनली द इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड इन ऑर्डर टू आइसोलेट इट्स इफेक्ट, वी आर कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कॉन्स्टेंट। कि जितना भी चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आया, वो सारा का सारा चेंज इस फैक्टर की वजह से आया, क्योंकि बाकी फैक्टर्स तो क्या है? कॉन्स्टेंट है। इसीलिए हमने उनको एज्यूम किया है कि वो कॉन्स्टेंट है, उनका कोई भी इम्पैक्ट क्वांटिटी सप्लाइड पर नहीं पड़ा। ओके, और एक चीज बस ये कही है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स। ओके, सिंबॉलिकली द लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज इन दिस फॉर्म, which is supply of good x equals to function of price of good x ceteris paribus. When we are saying that the supply of good x is a function of price of good x, it means that it depends upon this. Supply of good x depends or is affected by the price of good x. Ceteris paribus means other factors are assumed as constant. Okay, other factors are assumed as constant. For example, suppose a firm supplies 100 units of a good at a price of rupees 10 per unit. Okay, जब price था rupees 10, तो firm ने कितना supply किया? 100 units. When its price rises to rupees 15 per unit, the firm supplies 150 units of the good and vice versa. और जब price increase हो गया rupees 15 per unit, तो firm ने अपनी supply को increase कर दिया 150 units तक. Because firm ने क्यों अपनी supply को increase किया? Because now the firm is getting higher prices for the फॉर इट्स कमोडिटी, राइट? अब अगर वो मार्केट में अपनी उस कमोडिटी को सेल करेगा तो उसे हायर प्राइस मिलेगा रुपीज 15 पर यूनिट। हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, इट्स सिंपल, जस्ट ड्रॉ टू एक्सिस, जस्ट अ सेकंड। ऑन द वर्टिकल एक्सिस टेक प्राइस, on the horizontal axis take quantity supplied, take it as origin. So when the price is rupees 10 per unit, quantity supplied is 100 units, right? When price increases to rupees 15 per unit, quantity supplied also increases to quantity supplied also increases to 150 units. Initial combination was considered, was taken as point A. This is the new combination named as point B. We will join them. And here we have our supply curve. You can notice that the supply curve is upward sloping. So upward sloping indicates direct or a positive relationship between the price and quantity supplied. When price increases, quantity supplied also increases. Okay? Assumptions of law of supply.
द लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट अफेक्ट द सप्लाई रिमेन द सेम. ये हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन ले लिया, सेट्रिस पेरिबस, विच इज अदर फैक्टर्स आर एज्यूम्ड एज कॉन्स्टेंट. प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा, इस फैक्टर के अलावा बाकी जितने फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, दे आर एज्यूम्ड एज कॉन्स्टेंट. तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन, prices of factors of production, that is prices of inputs, should remain unchanged. कि जो input prices है वो unchanged है. For example, अगर labor की बात की जाए तो labor का price, which is wage rate, wage rate में कोई भी change नहीं आया. Level of technology should remain unchanged. जो technology, जो technique of production चल रही थी अभी भी वही है, उसमें भी कोई change नहीं है. गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द टैक्सेशन शुड रिमेन अनचेंज्ड. गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिसी भी चेंज नहीं की, देर इज नो चेंज इन टैक्स रेट्स. गोल्स ऑफ द फर्म शुड रिमेन अनचेंज्ड. ओके, थैंक यू.